हेलो डिफेंस लिसनर्स, स्वागत है आप सबका एक और नए डिफेंस वीडियो में, जिसमें हम बात करने वाले हैं इंडियन नेवी के एयरक्राफ्ट कैरियर के बाद सबसे बड़े 45,000 टन भारी भरकम शिप के बारे में, और वो भी एक नहीं बल्कि पांच ऐसे शिप के बारे में जिसे हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा बनाया जाना है। लेकिन इस शिप को बनाने में असिस्टेंस टर्की की तरफ से आएगी, और ये एक अनदर इंटरेस्टिंग थिंग है। तो क्या है ये फ्लीट सपोर्ट शिप और क्या है इसका यूज़, आइए समझते हैं। तो फ्लीट सपोर्ट शिप, हम उस शिप को बोलते हैं जो नेवी के डिफरेंट फ्लीट के लिए किसी भी ऑपरेशन के दौरान हमेशा ये इंश्योर करती है कि वो फ्लीट ऑपरेशनल रेडीनेस को मेंटेन कर सके। और इसके लिए ये फ्लीट सपोर्ट शिप नेवी के उस फ्लीट शिप या फिर एयरक्राफ्ट कैरियर बैटल ग्रुप के लिए फ्यूल, फूड, एमिनेशन और स्पेयर पार्ट्स को प्रोवाइड करवाते हैं। इससे ऑपरेशनल फ्लीट शिप को बार बार अपने हार्बर पर आकर खुद को फ्यूल अप या फिर रिप्लेनिश नहीं करना पड़ता है, और किसी भी कॉन्फ्लिक्ट के दौरान ये सेफ भी नहीं है क्योंकि हार्बर एनिमी के ठीक निशाने पर होता है और इजी टारगेट होता है। तो इस खतरे से निपटने के लिए ये जो फ्लीट सपोर्ट शिप है, ये नेवी के उस फ्लीट वेसल को जो भी सपोर्ट चाहिए होता है या फिर कंप्लीट रिप्लेनिशमेंट चाहिए होती है, वो उसे फेरी लगाकर वहीं पहुंचा देता है। और इसी वजह से ये शिप एक एयरक्राफ्ट कैरियर जितना बड़ा होता है। और इंडियन नेवी के केस में जो ये पाँच शिप बनाए जाने हैं, तो इसमें से हर एक शिप 45,000 प्लस टन वजनी है, मतलब कि ये INS विक्रांत जितना भारी भरकम होने वाला है। अगर हम इस वक्त इंडियन नेवी के ऑक्सिलरी शिप यानी कि फ्लीट सपोर्ट शिप की बात करें, तो इंडियन नेवी आदित्य क्लास की ऑक्सिलरी शिप जिसका डिस्प्लेसमेंट 24,000 टन का है, दीपक क्लास की फ्लीट टैंकर जिसका वेट 27,500 टन का है, तो इसे ऑपरेट कर रही है। लेकिन इंडियन नेवी को साल 2014 से ही ऐसे पांच बड़े FSS की जरूरत थी, जिसको लेकर गो अहेड साल 2014 में ही दिया गया था। इनिशियल प्लान ये था कि भारत की HSL यानी कि हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड ये शिप बनाएंगी, और इसके डिज़ाइन को लेकर कंसल्टेंसी ह्युंडई हैवी इंडस्ट्री द्वारा दिया जाएगा। लेकिन बाद में साउथ कोरिया ने इसके फर्स्ट शिप को कोरिया में बनाने को लेकर प्रस्ताव रख दिया, जिसे भारत ने इनकार कर दिया। और इसके बाद इस RFI को जर्मनी, स्पेन, रशिया और टर्की में से टर्की द्वारा सबसे लोएस्ट बिडर होके विन किया गया। लेकिन जैसा कि हम सब जानते हैं कि टर्की जम्मू एंड कश्मीर को लेकर पाकिस्तान का सपोर्ट करता रहा है, जिससे भारत के साथ उसके रिलेशनशिप हाई और लो वाली सिचुएशन में रहती है। लेकिन टर्की को भी पता है कि पाकिस्तान के साथ टर्की की कोई भी बड़ी डील नहीं हो सकती, क्योंकि पाकिस्तान के पास तो पैसे ही नहीं है, और भारत जैसे इकोनॉमिक पावर को वो इग्नोर नहीं कर सकता, क्योंकि इससे टर्की को ही नुकसान उठाना पड़ रहा था। और ये इकोनॉमिक नुकसान कोई भी कंट्री ज़्यादा दिन तक झेल नहीं सकती, वो भी इस बात पर कि पाकिस्तान जैसा बैंक करप्ट कंट्री उसका एक बिरादर मुल्क है जो कि सिर्फ नाम के लिए है, कोई भी डील नहीं दे सकता, और इसके चक्कर में वो भारत के साथ अपनी डील खराब कर ले। हालांकि इसमें टर्की द्वारा सिर्फ असिस्टेंस ही प्रोवाइड की जानी है, और इसे हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा बनाया जाएगा, लेकिन फिर भी ये डील टर्की के लिए बहुत बड़ी डील है। रिप्लेनिश शिप को बनाना एक एयरक्राफ्ट कैरियर को बनाने से भी ज़्यादा मुश्किल टास्क है, क्योंकि फ्यूल स्टोरेज अपने आप में काफ़ी ज़्यादा रिस्की होता है, और जब बात एक 45,000 टन डिस्प्लेसमेंट वाले शिप की हो, तब इसकी कॉम्प्लेक्सिटी और भी ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है। और इसीलिए ये शिप बनाया HSL द्वारा जाएगा, लेकिन डिज़ाइन और असिस्टेंस टर्की द्वारा प्रोवाइड की जाएगी। गवर्नमेंट द्वारा इस शिप को बनाने को लेकर 20,000 करोड़ रुपीज़ यानी कि $2.5 बिलियन को क्लियर कर दिया गया है, और यहाँ से 4 साल बाद इंडियन नेवी को अपना पहला शिप मिल जाएगा, जिसके बाद हर एक साल एक शिप इंडियन नेवी को डिलीवर किए जाएंगे। इस शिप की लेंथ 230 मीटर, रेंज 22,000 किलोमीटर और स्पीड 37 किलोमीटर पर आर की होने वाली है। ये शिप अपने साथ एक HAL ध्रुव हेलीकॉप्टर को कैरी करेगी, साथ ही इस शिप को एंटी-शिप, एंटी-सबमरीन और CIWS सिस्टम जैसे वेपन से भी इक्विप्ड किया जाएगा, जिससे ये शिप एनिमी द्वारा टारगेट किए जाने पर खुद को बचा सके। इस तरीके की पांच शिप इंडियन नेवी की ऑपरेशनल रेडीनेस कैपेसिटी को बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर देगी, और जिस तरीके के थ्रेट इस वक्त इंडियन ओशन रीजन में बढ़ रहे हैं, इंडियन नेवी की ऑपरेशनल रेडीनेस की क्षमताओं को बढ़ाना जरूरी भी था। तो इस सब के ऊपर आप सबकी क्या राय है वो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। बाकी आज के इस वीडियो के लिए इतना ही। उम्मीद है आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें।